2 मई 2023 बड़े मंगलवार के दिन करें गुड़ का ये महा उपाय। जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद से जीवन में हर दिशा से खिंचा हुआ चलाएगा धन। दोस्तों, वैसाख महीना 7 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था, इसका समापन 5 मई 2023 को होने जा रहा है। बता दें दोस्तों, वैसाख महीने का आखिरी मंगलवार 2 मई 2023 को पड़ रहा है। आपको बता दें, जो वैसाख महीने का आखिरी मंगलवार होता है, यह अपने आप में बहुत ही विशेष मंगलवार माना जाता है। इसको बड़ा मंगलवार भी कहा गया है हमारे धर्मशास्त्र में, और हनुमान जी महाराज को गुड़ बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि वैसाख महीने के आखिरी मंगलवार के दिन अगर आप लोग गुड़ का वह महा उपाय कर लें जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन में जितनी भी कड़वाहट है वह खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे गुड़ मीठा होता है वैसे ही आपके जीवन में भी मिठास आ जाएगी। इसी प्रकार से न केवल जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी, बल्कि हनुमान जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, गुड़ तो हर किचन में बड़ी आसानी से मिल जाता है, मगर इसका इस्तेमाल खाने के साथ साथ कुछ ऐसे उपायों में किया जाता है जिसके बारे में हमारे ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में बताया गया है। कहा जाता है कि गुड़ के उपायों को करके ना केवल आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बल्कि घर में सुख शांति का वास भी ला सकते हैं। दोस्तों, हम में से कई लोग सर्दियों में गुड़ का सेवन करते हैं। सर्दियों में गुड़ का सेवन बहुत ही फायदेमंद भी होता है, या कई लाभकारी गुड़ों से भरपूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुड़ सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। गुड़ का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है, और कहा जाता है कि रात को अगर खाना खाने के बाद गुड़ का थोड़ा सा भी सेवन कर लिया जाए तो इससे पेट संबंधित बीमारियां जो रहती हैं वो हमेशा दूर रहती हैं। लाल किताब के अनुसार गुड़ का सेवन करने से कई तरीके की परेशानियां भी जीवन में दूर होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुड़ को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना गया है, और गुड़ को तो उत्तम स्थान पर रखा गया है तंत्र शास्त्र में। गुड़ को सूर्य का कारक माना जाता है, इसीलिए अगर आप गुड़ से जुड़े हुए वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है और वैसाख महीने के आखिरी मंगलवार के दिन किया जाता है, तो न केवल इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में नौकरी, व्यापार, धन, कर्ज, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, बल्कि आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसे जीवित देवता हैं जो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा पाठ से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी के जितने भी भक्त होते हैं उनको अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं, इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और मंगलवार को तो हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी को समर्पित किया गया है। कहा जाता है कि मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन होता है। इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं उस उपाय का पलट करके आपको लाभ मिलता ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, या मंगलवार के दिन आप कोई भी उपाय कर रहे हैं उस उपाय का आपको लाभ मिल जाए, तो इसके लिए लगातार आपको 5, 7, 8, 10, 15 मंगलवार पूजा पाठ करनी होती है, जैसे धर्मशास्त्र में बताया गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, आप गुड़ का वह उपाय करें जिसके बाद ना केवल आपके जीवन की हर समस्या खत्म हो जाए, बल्कि आपके जीवन में सुख शांति आए, धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, तो दोस्तों वैसाख महीने के आखिरी मंगलवार के दिन आपको गुड़ का वह महा उपाय करना चाहिए जिसके बारे में ना केवल हमारे लाल किताब में बल्कि तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे सिर्फ एक साधारण से गुड़ का उपाय करके आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे गुड़ का उपाय करके न केवल आपको अपने जीवन में आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जैसे नौकरी आप प्राप्त करना चाहते थे, आप चाहते थे आपका बंद पड़ा व्यापार चल सके, या आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, किसी बीमारी में आप लोग पड़े हुए हैं, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया, आप उस तरीके की बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो दोस्तों बस एक दिन का वह महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं गुड़ से जो आपको करना है, और यकीन मानिए हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में आप हमेशा खुश रहेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाबी हासिल करेंगे। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स लिख दीजिए जय बजरंगबली। और एक काम भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। आपकी राशि के अनुसार वैसाख महीने के आखिरी मंगलवार को कोई भी ऐसा उपाय होगा जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सके, वो आके हम आपके रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए दोस्तों तुरंत राशि डाल दीजिए अपनी कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों देखिए वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब जितने भी हम आपको उपाय बताने रहे हैं दोस्तों, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, और इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है वो भी लिख लीजिएगा, क्योंकि
एक बात जान लीजिए, जब भी उपाय किया जाता है उसको नियम पूर्वक करना चाहिए। नियम के किए बिना कोई भी उपाय का आपको लाभ कभी भी नहीं मिलता है। तो सबसे पहला जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं वो मंगल ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय बताने रहे हैं। यदि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, किसी भी आप कार्य को करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, जीवन में पैसा आना बंद हो गया है, रोज घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बना रहता है, इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका मंगल बहुत ही कमजोर है। जिस व्यक्ति का भी मंगल कमजोर होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में सिर्फ बाधाओं का सामना करना पड़ता है, दुर्भाग्य से लड़ना पड़ता है और वह अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? लाल किताब में बताया गया है कि वैशाख महीने के आखिरी मंगलवार के दिन अगर आप किसी भी हनुमान मंदिर में जा करके 500 ग्राम गेहूं के साथ 500 ग्राम गुड़ भी दान कर दें तो माना जाता है इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाता है और आपके जीवन में फिर आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपको किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरे जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना हो दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने रहे। सुबह आपको उठना है 2 मई 2023 के दिन, नहाना है धोना है, लाल वस्त्र के धारण करना है क्योंकि मनोकामना पूर्ति हो गया और हनुमान जी की पूजा हो गई। इसमें जब भी उपाय किया जाता है लाल कपड़े पहने आते हैं, लाल वस्त्र का धारण कर लीजिए। आपको एक लाल पोटली लेनी है, उसमें एक गुड़ की भेली रखिए, 1 रुपये का सिक्का रखिए, इस लाल पोटली को मौली धागे से बांध लीजिए और किसी भी बहती हुई नदी में इसको परिवाहित करने के बाद अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो आज का नहीं है बल्कि हजारों साल पहले का उपाय है। ये प्राचीन काल का वह उपाय है जो वैशाख महीने के आखिरी मंगलवार के दिन ही किया जा सकता है पूरे साल में, और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाएगा, इसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो एक बात जान लीजिएगा, कभी भी आपके घर की बरकत नहीं हो पाएगी, कभी भी आपके घर पर धन नहीं टिकेगा। तो दोस्तों अगर आप इस चीज़ से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। 0.5 किलो गुड़ ले लीजिए, आपके घर के पास आपकी जो भी ज़मीन है उस ज़मीन पर जा करके इस गुड़ को गाड़ दीजिए। अगर आप लोग ने वैशाख महीने के आखिरी मंगलवार के दिन यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए यह गुड़ आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी उनको सोख लेगा और अपने साथ लेकर के उस ज़मीन में चला जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिसके बाद ना केवल आपके घर का जो वातावरण होगा वो सौभाग्यशाली हो जाएगा बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और आप खुद इस बदलाव को महसूस करेंगे। चौथा उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो दोस्तों यह उपाय कर लीजिए जो वैशाख महीने के आखिरी मंगलवार के दिन अगर किया जाए तो यहाँ पर हनुमान जी का वो आशीर्वाद आपको मिलता है कि आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाती है। उपाय बड़ा ही सरल सा है, आपको क्या करना है बता दें। आपको सुबह नहाने धोने के बाद 11 रोटी घर पर बनानी है या बनवा लीजिए, उस पर हल्की हल्की से गुड़ की भेली रख लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 11 रोटी जिस पर आपने गुड़ की भेली रखी है इसको किसी भी लाल गाय को आपको खिलाना है, सफ़ेद गाय को नहीं, काली गाय को नहीं, लाल गाय को या आप लोग कर दीजिए, खिला दीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल ही जाएगी। अब जो आपको उपाय हम को बताने आ रहे दोस्तों, यह ऐसा उपाय है जो अगर आप कर लेते हैं तो ना केवल आपकी बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी बल्कि आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है, गुड़ और चना लेकर के किसी भी हनुमान मंदिर जाइए और वहां पर हनुमान जी को ये अर्पित कर दीजिए और वहीं पर बैठे बैठे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। यह उपाय अगर आपने कर लिया दोस्तों तो आपके जीवन में आपकी बेफिजूल खर्ची तो रुक ही जाएगी, दूसरी तरफ आपके जीवन में आप यह देखेंगे जो धन आपके पास आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। अगर दोस्तों आप संपत्ति कोई खरीदना चाहते थे, वो संपत्ति किसी कारणवश आप नहीं खरीद पा रहे थे, इस चीज़ को लेकर के आप बड़ा ही परेशान थे, आप चाहते हैं कि वो संपत्ति आपकी हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वैशाख महीने के आखिरी मंगलवार के दिन एक लाल ध्वजा खरीदनी है, एक लाल झंडा खरीद लीजिए जिस पर जय श्री राम लिखा हो। आपको 0.5 किलो गुड़ लेना है और ये ले जा करके किसी भी हनुमान मंदिर में दान कर देना है। इतना उपाय अगर आपने वैशाख महीने के आखिरी मंगलवार के दिन कर लिया तो दोस्तों ये स्टैम्प पेपर पे हम आपको लिख के दे सकते हैं कि आपकी मनचाही संपत्ति आपको मिल जाएगी और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।